राम राम भाई सारा ने, एक बार फिर से मंजीत एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हरियाणा की प्रमुख खबरें लिख के 5 जुलाई 2024 की, चलो अब शुरुआत करते हैं। अम्बाला पहुंची सांसद कुमारी शैलजा, बोली मेरिट के आधार पर दिए जाएंगे टिकट। रोहतक में जेपी दलाल ने भूपेंद्र हुड्डा पर साधा निशाना, बोले सीएम बनने के सपने ले रहे हैं। अयोध्या धाम के लिए श्रद्धालुओं की बस रवाना, सांसद विधायक ने दिखाई हरी झंडी। सोनीपत में रंजीत चौटाला, बोले शिकायतों का समाधान करने में रुचि नहीं लेने वाले अधिकारी रगड़े जाएंगे। कौशल विकास के लिए युवाओं को तय करनी पड़ रही है लंबी दूरी, आईटीआई में पढ़ाई छोड़ना मजबूरी। 3 वर्ष से खराब परिणाम देने वाले स्कूलों को विभाग लेगा गोद। आईटीआई का पहला चरण संपन्न, 9 को जारी हो गई दूसरी सूची। पीएम सूर्य गृह मुफ्त बिजली योजना के ऑनलाइन आवेदन शुरू। प्रधान अंकुर गुप्ता को मिला उत्कृष्ट प्रधान अवार्ड। नेशनल डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में दृष्टि ने जीता स्वर्ण पदक। एमडीयू के कर्मचारियों ने 100% अनुदान के लिए शुरू की हड़ताल। यूनियन 25 को करेगी जन स्वास्थ्य मंत्री का घेरावा। शिकायतकर्ताओं की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार, एसडीएम। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को मिले नए मुख्य न्यायाधीश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस शील नागू को किया नियुक्त। 6500 से अधिक टीजीटी अध्यापकों को बढ़ा 4% दिए। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही लागू करेंगे ओपीएस हुड्डा। कुरुपसी भर्ती परीक्षा से शॉर्टलिस्ट फॉर्मूले पर विवाद, अभ्यर्थी जता रहे आपत्ति। मंत्री आतिशी ने शिक्षकों के तबादले पर रोक लगाने के दिए निर्देश, बोले शिक्षकों का सम्मान करती है सरकार। वानखेड़े में सम्मान समारोह के बाद खूब नाचे रोहित, विराट और बाकी खिलाड़ी, लैप ऑफ ऑनर भी लिया। ये थी कुछ प्रमुख खबरें जो हम आपके लिए लेके आए थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।